हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो ये है कि जो मेजर रीजंस होते हैं वीजा रिफ्यूजल के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देना चाहती हूँ। जो भी हमारे नॉर्थ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे न्यू दिल्ली राजा गार्डन्स में न्यू ब्रांच ओपन हो रही है 16th February को 11 बजे। तो अगर आप दिल्ली या न्यू दिल्ली में आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे इनॉग्रेशन में विजिट कीजिए। ये इनॉग्रेशन होगी हमारे डायरेक्टर फाउंडर के हाथ से, मिस्टर अमर बहाड़ा से। तो आप प्लीज़ हमारे ब्रांच में ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू। अब हम वापस आते हैं हमारी वीडियो पे, जो हमारा डिस्कशन था वीज़ा रिफ्यूजल्स के जो मेजर रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है जो डिस्कस करेंगे आज हम, वो ये है कि लैक ऑफ सफिशिएंट फंड्स। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है कि आप $25,000 दिखाइए विद लिविंग एंड ट्यूशन फीस में, तो आपको हमेशा उससे $2,000 या $2,500 ज़्यादा दिखाने चाहिए अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए आपके, जैसे आपके मतलब स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, फंड्स की ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड दिखाते हैं तो आपको फंड्स की वजह से कभी भी रिजेक्शन नहीं लगेगा। तो जो सेकेंड हमारा रीज़न होता है वो होता है पोटेंशियल इमिग्रेंट का। जैसे आपको इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, अब वो डायरेक्टली तो ये नहीं पूछेंगे ना कि आपका इंटेंशन क्या है यूएस में जाने का, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि भाई मैं तो पढ़ने ही जाना चाहता हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ जाने का। जो हमारा थर्ड रीज़न होता है वो ये होता है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। डिग्री नहीं होती है बट फिर भी अरेंज करके बनवा के कहीं से लगवा देते हैं, या जॉब के लेटर्स बनवा के लगवा देते हैं। तो प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ मत करिएगा। बाय द वे, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके बैन होने के भी चांसेस होते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि जैसे हमारे जो टाइज होते हैं इंडिया में, आपके होमलैंड में, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपको उनके पास वापस आना है, या आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो आपको वापस आना है। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रॉन्ग बतानी है कि आप क्यों अपने होमलैंड वापस आओगे। नेक्स्ट जो है हमारा रीज़न वो ये है कि जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है वो आपके करियर से लेके रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, जो भी आपका करियर प्लान है, उसमें वो कोर्स आपका फिट होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट रीज़न ये है वो ये है कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करते हैं, अब कई स्टूडेंट्स की प्रोफाइल होती है 90% वाली, बट वो एक बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं सिर्फ एंट्री पाने के लिए यूएस में। तो ये भी जो रीजंस हैं ये आपको लाइक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इंटरव्यूअर को कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के काबिल थे तो आपने इतनी लो रैंक यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है। और जो हमारा सबसे लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि भाई आपकी इंग्लिश सही नहीं है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, आप बार बार उनसे क्वेश्चन रिपीट करने को कह रहे हैं। तो अगर आप नहीं यहीं पे इंटरव्यूअर के साथ ही अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी कंट्री में कैसे करेंगे। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप यूएस जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी प्रोफाइल हमें एप्लीकेशन 02 पे मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, या अगर आप फेस टू फेस काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।